इस वीडियो में आप जानोगे ऐसे जीवों के बारे में जो कभी नहीं मरते और हमेशा के लिए अमर है, और आप जानोगे ऐसे क्रीचर्स के बारे में जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप जिसके आर पार देख सकते हो। इसके अलावा आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे जीवों के बारे में जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। जरा इसे देखो, क्या ये एक पत्ता है या फिर एक कीड़ा? और आप जानोगे ऐसे सी क्रीचर्स के बारे में जिन पे विश्वास करना भी मुश्किल है। क्या आपने उड़ने वाली मछली देखी है? अगर नहीं तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। टॉप 6 इमोर्टल क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 6, टार्डिग्रेड। ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, मतलब ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। इनकी खास बात यह है कि ये किसी भी टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं। ये -272 डिग्री सेल्सियस के ठंडे और 150 डिग्री सेल्सियस जितने गर्म टेम्परेचर में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये बिना किसी इक्विपमेंट के स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन को भी आराम से झेल सकते हैं। इसके अलावा ये इंटेंस प्रेशर वाली जगहों में जिंदा रह सकते हैं। ये क्रिप्टोबायोसिस स्टेट में चले जाते हैं, यानी ऐसी अवस्था जहां ये अपने आप की बॉडी एक्टिविटी रोक देते हैं, और जब माहौल ठीक हो जाता है तो ये दोबारा से जिंदा होकर पहले जैसे हो जाते हैं। नंबर 5, रेडिएशन रेजिस्टेंट बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है और हमेशा के लिए अमर रह सकता है। ये ऐसा अपने अद्भुत डीएनए की मदद से कर सकते हैं। इनके ऊपर ठंड का कोई असर नहीं होता, इनके ऊपर वैक्यूम का कोई असर नहीं होता, और ये डिहाइड्रेशन और एसिड अटैक जैसे सिचुएशंस में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे टफेस्ट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये 1.5 मिलियन गामा रेडिएशन के रेड्स को आसानी से झेल सकता है। 1.5 मिलियन रेड्स एक इंसान को मार देने वाली मात्रा से 3000 टाइम्स ज्यादा है। नंबर 4, हाइड्रा। इसे अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस जीव को काटने की कोशिश करोगे तो दोबारा से इसकी बॉडी का वो हिस्सा उग जाएगा जो आपने काटा था। इसके अलावा ये जीव कभी भी बूढ़ा नहीं होता और हमेशा के लिए जवान रहता है। इसके अलावा ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए अमर है। इसका लाइफ स्पैन 1400 ईयर्स का होता है, जो हम इंसानों से बहुत ज्यादा है। नंबर 3, रीजेनरेटिंग फ्लैटवर्म्स। इसे अमर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप इसे दो हिस्सों में काटोगे तो इसके कटे हुए दो हिस्से दोबारा से रीजेनरेट होकर ग्रो हो जाएंगे, मतलब आप इसे जितना मारने की कोशिश करोगे ये उससे दुगनी संख्या में बढ़ते जाएंगे। इनमें अपने डैमेज टिश्यूज को दोबारा से रीजेनरेट करने की एबिलिटी है, जिसे ये मौत को भी चकमा दे सकते हैं। इसके अलावा इनकी उम्र कभी भी बढ़ती नहीं है और ये हमेशा के लिए अमर है। नंबर 2, प्लैनेरिया। इसको अमर इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आप इसके सर को भी काट दो तो इसका सर दोबारा से उग आएगा। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स की मात्रा बहुत अधिक है। इनके ये स्टेम सेल्स इनकी किसी बॉडी पार्ट को दूसरे सेल्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये अपने दिमाग और नर्व सिस्टम को भी दोबारा से रीजेनरेट कर सकते हैं। नंबर 1, टरिटॉप्सिस डूहमी जेलीफिश। ये एक जेलीफिश की प्रजाति है जो हमेशा के लिए अमर है क्योंकि ये ट्रांस डिफरेंशिएशन और सेल्यूलर ट्रांस डिफरेंशिएशन कर सकती है, मतलब ये बूढ़ी होकर दोबारा से किशोर अवस्था में जा सकती है, और ये साइकिल बार बार चलता रहता है जब तक ये मर नहीं जाती। ये जेलीफिश हमेशा के लिए अमर होती है, जो कभी भी मर नहीं सकती है, लेकिन ये प्राकृतिक तरीके से नहीं मर सकती। अगर आप इसे मारने की कोशिश करोगे तो ये मर जाएगी, मतलब जब तक इस जेलीफिश को कोई मारता नहीं है तब तक ये जिंदा ही रहेगी। मतलब ये जेलीफिश लाखों करोड़ों साल तक या उससे भी ज्यादा देर तक आसानी से जिंदा रह सकती है। आपने अमर जीव तो देख लिए, और अब आप जानोगे ट्रांसपेरेंट जीवों के बारे में जिनके आर पार आप देख सकते हो। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। टॉप 6 ट्रांसपेरेंट क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 6, मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा। ये एक मछली है जिसका सर ट्रांसपेरेंट है। आप बिना इसकी बॉडी को चीरे इसके ब्रेन को आसानी से देख सकते हो। ये मछली आपको कैलिफोर्निया के तट और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखने को मिल सकती है। नंबर 5, जुवेनाइल शार्पियर इनोप स्क्विड। ये कोई ऑक्टोपस नहीं, एक स्क्विड की प्रजाति है जो ट्रांसपेरेंट है। इसके शरीर पर बहुत सारे डॉट्स होते हैं और इनकी आंखें एक बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स है। ये स्क्विड की प्रजाति 200 से 1000 मीटर पानी के अंदर पाई जाती है और इनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नंबर 4, ग्लास फ्रॉग। ये मेंढक की प्रजाति अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है। खास बात यह है कि ये मेंढक नीचे से पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसके एक एक ऑर्गन को आसानी से देख सकते हो, और बिना इसकी बॉडी को चीरे आप इसके धड़कते हुए दिल को देख सकते हो।
इसके अलावा अमेज़न में इससे भी विचित्र जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि ये चलने वाला पेड़। अगर आपने मेरी अमेज़न रेनफॉरेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाई। आपने तितलियां बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसी तितली देखी है? ये तितली ट्रांसपेरेंट है, यानी आप इसके पंखों के आर पार देख सकते हो। ये बटरफ्लाई अमेरिका में पाई जाती है। ये सेंट्रल से साउथ अमेरिका तक पाई जाती है, जिनमें चिले, मेक्सिको और टेक्सस जैसी स्टेट्स शामिल है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंट जुवेनाइल सर्जन फिश। ये मछली पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट है और आप इसके आर पार देख सकते हो। इन मछलियों का ये ट्रांसपेरेंट बॉडी स्ट्रक्चर इन्हें बहुत से शिकारियों से छुपने में इनकी मदद करता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ये बड़ी होती जाती है, इनकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाती है और ये पानी में नजर आने लगती है। ये मछली लगभग 30 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। नंबर 1, साल्पा मजियोरे। इस मछली का शरीर तो ट्रांसपेरेंट है ही, लेकिन इसकी आंख भी ट्रांसपेरेंट है। इस मछली को पानी में ढूंढना बहुत मुश्किल है। दूर से देखने से आपको लगेगा कि ये कोई मछली नहीं, एक पॉलीथीने है। ये मछली 10 इंच तक बड़ी हो सकती है और ये मछली ठंडे इलाकों में रहना पसंद करती है। ये आपको सदर्न ओशन में अंटार्कटिका के पास देखने को मिलेगी। अब आप जानोगे इस दुनिया के सबसे अनोखे लैंड क्रीचर्स के बारे में। टॉप 6 यूनिक लैंड क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 6, जापानीज स्पाइडर क्रैब। क्या आपने कभी इतना बड़ा केकड़ा देखा है? जापानीज स्पाइडर क्रैब इस दुनिया में सबसे बड़े केकड़ों की प्रजाति है। एक वयस्क स्पाइडर क्रैब 38 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 20 किलो तक हो सकता है। इनके साइज का अंदाजा लगाने के लिए आप ये इमेज देख सकते हो। इतने विशाल केकड़े जापान के तटों पे पाए जाते हैं। नंबर 5, ओकपी। ये एक जीब्रा है या एक हिरण है? दरअसल दोनों में से कोई भी नहीं, ये ओकपी है। इसके पैर जीब्रा जैसे दिखते हैं और इसका शरीर एक हिरण की तरह दिखता है। ये जानवर पूरी तरह शाकाहारी है, जो पेड़ों की पत्तियां खाता है। ये जानवर 7 फुट 8 इंच तक बड़ा होता है। इसका वजन 200 से 250 किलो तक होता है। ये जानवर अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो के आइटरी रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नंबर 4, स्टिक इंसेक्ट। आप इस लकड़ी को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कोई लकड़ी है ही नहीं, ये एक इंसेक्ट है जो एक लकड़ी की तरह दिखता है। इनका ये बॉडी डिजाइन इन्हें बहुत से शिकारियों से बचाता है। ये ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये 1 से लेकर 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टिक इंसेक्ट 20 इंच लंबा है। इनका वजन 60 ग्राम से भी कम होता है। नंबर 3, सैटेनिक लीफ टेल्ड गेको। ध्यान से देखिए, ये कोई पत्ता नहीं, एक छिपकली है जो पत्ते की तरह दिखती है। सच में हमारी कुदरत भी बहुत कमाल की है। इनका ये बॉडी डिजाइन इन्हें काफी शिकारियों से बचाता है और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से ये छुपके शिकार भी करती है। ये ईस्टर्न मेडागास्कर के माउंटेन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है और इनका साइज 110 मिलीमीटर तक हो सकता है। नंबर 2, ऑर्किड मैंटिस। आपने मैंटिस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी गुलाबी रंग का मैंटिस देखा है? सच में ये बहुत खूबसूरत है। ये जीव साउथ ईस्ट एशिया के टोथी रेन फॉरेस्ट और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आधे इंच लंबी ये मैंटिस की प्रजाति सिर्फ 8 महीने तक ही जी सकती है। नंबर 1, लीफ इंसेक्ट। आप इस पत्ते को देख रहे हो, दरअसल ये कोई पत्ता नहीं, एक कीड़ा है जो एक पत्ते की तरह दिखता है। ये अद्भुत प्राणी ज्यादातर समय पेड़ों पे बीताता है और पत्ते खाकर जिंदा रहता है। इनका ये बॉडी डिजाइन इन्हें जंगल के खूंखार शिकारियों से बचाता है। ये इंसेक्ट ज्यादा से ज्यादा 12 महीनों तक जीवित रह सकता है और इनका साइज 100 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये इंसेक्ट इंडियन ओशन के मेनलैंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स और पापुआ न्यू गिनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। अब आप जानोगे इस दुनिया के सबसे अनोखे सी क्रीचर्स के बारे में। टॉप 6 यूनिक सी क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। नंबर 6, मैंटिस श्रिम्प। इस प्राणी की आंखें बाहर की तरफ होती है, इसके 6 पैर होते हैं। इसकी कुछ प्रजाति अंटार्कटिका की तरफ पाई जाती है और ये 2 से 7 इंच तक लंबे होते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, रेड लिप्ड बैटफिश। इस अजीब सी दिखने वाली मछली ने लिपस्टिक नहीं लगा रखी, बल्कि ये ऐसी ही दिखती है। ये मछली गलापागोस आइलैंड्स और पेरू के पानी में पाई जाती है और 250 फीट पानी के अंदर रह सकती है। ये 8 इंच तक बड़ी हो सकती है और इसका एवरेज लाइफ स्पैन 12 सालों का होता है। नंबर 4, ब्लैक ड्रैगन फिश। ये कोई साइंस फ्रिक्शन मूवी का खतरनाक एलियन नहीं, एक मछली है जो इसी धरती पर पाई जाती है।
ये पानी में 1,000 से 5,000 फीट नीचे पाई जाती है। इतनी नीचे पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और हम इंसान इतनी नीचे बिना किसी खास इक्विपमेंट के नहीं जा सकते। ये इतने गहरे पानी में रहती है जहां सूरज की रोशनी भी पहुंच नहीं पाती। इसके मुंह में बहुत सारे नुकीले दांत होते हैं और ये 60 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। नंबर 3, नूडी ब्रांच। ये रंग बिरंगी अतरंगी जीव अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस में पाया जाता है और इनकी 3,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कुछ जहरीली भी होती है। इनमें अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा रीजेनरेट करने की एबिलिटी भी होती है। ये गहरे पानी में रहते हैं और 8,200 फीट पानी के अंदर रहते हैं। इतनी नीचे सबमरीन्स भी नहीं जा सकती। नंबर 2, मैरस ऑर्थोकैना। ये जीव एक रॉकेट की तरह दिखता है जिसके पीछे आग लगी हुई है। ये भी एक गहरे पानी में रहने वाला जीव है जो 500 से 3,500 मीटर पानी के अंदर रहता है। ये लगभग 10 फुट तक बड़े हो सकते हैं। नंबर 1, लीफी सी ड्रैगन। ये कोई समुद्री पौधा नहीं, एक सी ड्रैगन है जो एक समुद्री पौधे की तरह दिखता है। ये सी हॉर्स की ही एक प्रजाति है और इनका साइज 14 इंच तक लंबा होता है। इनका जीवन 7 से 10 सालों का होता है और ये सी ड्रैगन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनका ये कैमोफ्लाज बॉडी स्ट्रक्चर शिकारियों से छुपने में इनकी मदद करता है। क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है? ये एकलौती एक ऐसी मछली है जो चल सकती है, उड़ सकती है और तैर सकती है। ये ज्यादातर जापान के याकुशिमा आइलैंड के तटों पर पाई जाती है। ये ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड तक हवा में उड़ सकती है और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब ये उड़ती है तो ज्यादातर पक्षियों की नजर इन पे पड़ जाती है और ये उनका शिकार बन जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।